यहाँ पे भी हमने टेबल पे सारी एयर गन्स बिछा दी है। तो ये भाई देखो ये कितनी ज्यादा मतलब ये 10 शॉट एयर राइफल है। जो भी पबजी खेलता हो उसको पता ही है कौन सी गन है, उजी हो गई। तो मैं अभी आया हूँ मेरठ में और मेरे साथ राम होने वाला है और एक नए भाई है हमारे साथ आने वाला है। काफी वीडियो है, किस चीज की वीडियो है गन के भाई, किसी को बताना मत। तो अभी ना पूरा मतलब सही सीन होगा और मैं भी पहली बार कोई गन की वीडियो बनाने आया हूँ। तो भाई मैं अभी यहाँ पे मतलब घूम रहा था, तो यहाँ पे देखो ये एक शॉप है गन की और एक इधर शॉप है और काफी सारी शॉप है इधर। तो शिवम यहाँ पे कितनी शॉप्स होगी करीबन? कम से कम भाई 10-12 शॉप है यहाँ पे। तो गन की यहाँ पे ना 10-12 शॉप होने वाली। और जगह का नाम क्या है ये भाई? पीएल शर्मा रोड मेरठ में। पीएल शर्मा रोड मेरठ में है, बेगमपुर के पास है। बेगमपुर के पास है। तो यहाँ पे यार काफी सारी शॉप, यहाँ पे शॉप होने वाली है। ये देखो गन की शॉप है और इधर भी देखो एक जैसे गन की शॉप है, यहाँ पे देखो एक और शॉप है। ऐसे ही ना काफी सारी शॉप्स है इधर। तो यहाँ पे बेसिकली कौन सी गन्स होती है ऐसे? ये भाई एयर गन्स होती है। अच्छा एयर गन्स होती है, और भी दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे भी एक और शॉप है काफी। भाई ये 10-12 कह रहा था, अब करीबन हमें लग रहा है 20 से ज्यादा है। अबे भाई हर मोड पे दिख जा रही है। मेरे साथ होने वाले मानव भैया, और भैया क्या हाल है आपके? बढ़िया। तो आज आप क्या वैरायटी दिखाने वाले हो? हमारे यहाँ सभी तरह की आपको एयर गन, एयर पिस्टल। यहाँ पे फर्स्ट टाइम मतलब कोई गन्स की वीडियो बना रहा हूँ, जैसे एयर गन्स वगैरह की होगी। वैसे एक इनसे स्टार्टिंग वगैरह 1500 रुपए से स्टार्ट होगी। और ये एयर गन्स होते क्या है पहले तो बताओ मेरे को। एयर गन शूटिंग पर्पज से भी काम आती है, बंदर अंदर को भगाने के काम भी आती है और सेफ्टी पर्पज भी, सेफ्टी पर्पज भी काम आती है। और इसके लिए लाइसेंस वगैरह तो नहीं चाहिए होता है? कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं। अच्छा, इससे मतलब लाइसेंस वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट होती है? और आपके इधर मतलब पिस्टल राइफल क्या क्या मिलता है? ऐसे पिस्टल और राइफल दोनों मिल जाती है। जैसे मेरे को कोई मतलब पिस्टल की एक बिल्कुल जो स्टार्टिंग होती है ना, बिल्कुल जिसे कहते हैं। अभी मेरे को ये एक पिस्टल दिखा रहे हैं, ये क्या है चीज़ें? ये एयर पिस्टल है। एयर पिस्टल है, तो इसमें क्या सीन रहता है? इसको आपको इस तरीके से लोड करना है। अच्छा, यहाँ से इसका आपका पैलेट, कुछ लोग जैसे छर्रा बोलते हैं तो वो यहाँ से डल जाएगा। अच्छा, इसको ऊपर करना फिर फायर। ओ, इस तरीके से आवाज आएगा। अच्छा आवाज आएगा। अभी ये आवाज कैसे आई? फिर के अंदर मैकेनिज्म होता है, उससे आवाज आती है इसकी। अच्छा ये देखो, ये लोड किया तो हमने स्प्रिंग जो है वो पूरा दब किया, अब जब हम छोड़ेंगे तो पूरा स्प्रिंग भाग। इसमें वुडन था ना और ये पूरी मेटल में है। और ये भी सेम लोड वगैरह वैसी होती है, ये हैवी है यार इससे। तो ये वाली पूरी मेटल में और इससे हैवी में है ना ये। और इसकी क्या प्राइसिंग वगैरह रहती है? 1800 रहती है। इसके अलावा आपको 100 पैलेट्स और एक बॉक्स साउंड कॉक और एक कवर, सब चीज पूरा कॉम्बो इसके साथ। ये कॉम्बो इसके साथ जाता है? जी, साथ भी कॉम्बो है जी, सबके साथ हमारे कॉम्बो के रेट्स होते हैं। अच्छा अच्छा, जो आपके मतलब एयर वो जो आप कह रहे थे छर्रे जिसे, वो दिखाना क्या चीज होती है? अच्छा, ये कुछ इस तरीके से ये छर्रे डलते हैं इसमें और फिर इसको इस्तेमाल करते हैं ना। तो अगर ये अगर मैं जैसे इससे चोट वगैरह तो नहीं लग जाती? नहीं नहीं, ज्यादा हार्मफुल नहीं। अच्छा, ज्यादा हार्मफुल नहीं होगा। अगर जानबूझ के किसी को हर्ट करना चाहे तभी होता है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं रहता ना। ऐसे करना नहीं एमिंग, हाँ मतलब एम वेम नहीं करना, लगी तो लग सकती है किसी के। तो इसके ऊपर की जो वैरायटी होती है क्या कौन सी होती है मतलब? इसके ऊपर की फिर आपको अच्छी क्वालिटी अगर एयर पिस्टल वगैरह चाहिए तो फिर 2200 रुपए से स्टार्ट। अच्छा, तो कोई अच्छी क्वालिटी के ना एयर पिस्टल दिखाओ जो मतलब। यहाँ पे भी हमने टेबल पे सारी एयर गन्स बिछा दी है। ये कौन कौन सी है भैया, मेरे इसको बारे में बताओ कुछ। सब एयर पिस्टल है, सारी शूटिंग के लिए काम आती है, शूटिंग प्रैक्टिस वगैरह। देखो ये वाली देखो कितनी ज्यादा बढ़िया है, मतलब जैसे असली वाली होती है ना पिस्टल वैसी उसी टाइप में। ये मेटल यूज हुआ है इसमें, पूरा मेटल है, ये फाइबर का मेटल और ये फाइबर का ये है पूरा। और इसकी जो प्राइसिंग वगैरह रहने वाली क्या रहती है? 1800 रुपए में सारा सामान इसको सब साथ वाथ में मिलेगा, साथ वाथ में मिलेगा। और उसके ऊपर ये देखो ये वाली हो गई, ये कुछ ये भी पूरी मेटल में आती है। ये वाली भी देखो पूरी काफी सही है। ये भी क्या सीन है इसका? इसका ये 1600, ये 1600 पूरी मेटल में, पूरी मेटल में रहेगी। तो ऐसी काफी सारी पिस्टल से ये देखो, ये जैसे ये भी फाइबर यूज हुआ है ना इसमें? जी जी, हैवी फाइबर होता है, गिर के भी टूटेगा नहीं। और ये क्या चीज है ये? देखो ये भी काफी सही है, ये भी ये इसमें फाइबर यूज हुआ है और पूरा मेटल में है, ये देख रहे हो। तो इसके बारे में भैया कुछ बताओ यार। ये भी शूटिंग प्रैक्टिस के लिए यूज हो जाती है, इसकी ग्रिपिंग वगैरह काफी अच्छी है, ग्रिपिंग भी, और शूटिंग प्रैक्टिस पर्पस से ही है। यहाँ से इसका 0.17 का पैलेट डलता है, हाँ ऐसा करना है। और ये फायर वो काफी इसका है मतलब हैवी में है ये देखो, पूरी जान लगा के इसको करना पड़ता है और फिर लोड हो गई। खतरनाक चीज है यार ये भी। ये क्या चीज़ है? इससे लोड होगा ये आगे लगा के। अच्छा, इससे लोड होगा, हाँ। तो कैसे होगा बताना भैया थोड़ा सा? ये कम मजल होता है, इस तरीके से आपको लेना और ये सीधा लोड लोड हो गई जी, और आपको इसको निकाल देना है और अच्छा। ये शूटिंग पर्पस से यूज हो जाती है, मतलब निशानेबाजी, मतलब जी जी निशानेबाजी की। अच्छा, और भाई साहब बड़ी पावर लगानी पड़ती है।
और इसको ऊपर ऐसे कर दूंगा तो भाई क्या तगड़ी चीज है यार ये भी भाई। ये कुछ अलग मेरे को दिखने को लग रही है ये दोनों गन्स, ये क्या चीज है ये? ये तो भाई एक जो पबजी गेम आता है तो उसकी कॉपी यूजी आती है। हाँ उजी भाई वही है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो भी पबजी खेलता हो उसको पता ही है कौन सी गन है, उजी हो गई। और ये वाली ये तो नॉर्मल ट्रो है, थोड़ा बहुत इसमें अपग्रेड किया हुआ है फीचर वगैरह। तो यार पूरी पबजी वाली गन है भाई, जो अब बीजी वाई नाम से जाना जाता है। हाँ भाई। और भाई के मजा भाई है 25 गोली वाली गन, 25 गोली वाली सिंगल शॉट चलेगा, बट इसमें सिंगल शॉट चलेगा। ये देखो ये रहा लोडर इसका। भाई कैसे होगा मेरे को तो बता नहीं भाई, इस तरीके से लेना और ये लो। ओ भाई ठीक। और ये फिर फायर कर देना कोई सीन। तो अब आप लोग को यार राइफल्स दिखाने वाला हूँ। ये देखो सारे राइफल्स है। ये भी राइफल है ना भैया? हाँ ये भी एयर पिस्टल है। अच्छा एयर पिस्टल है। ये बड़ी साइज में थोड़ी राइफल टाइप में आ जाता है। तो ये क्या है इसका नाम वगैरह क्या है भैया? इसको यार पाइथन एयर पिस्टल बोलते हैं। तो भैया इसको लोड वगैरह करके दिखाना है, इसको ऐसे पकड़ना है भाई। अच्छा तो इसको लोड वगैरह कैसे करते हैं? जैसे ब्रेक करना है आपको, पहले हल्का सा हाथ मारो, पहले हाथ मार लो भाई, हाथ आप पूरा इसको नीचे तक ले जाओ। लोड हो गई लोड। तो इसको क्या कहते हैं भैया? टाइटन मस्कट एयर गन है। मस्कट एयर गन है। और इसकी जो प्राइसिंग वगैरह रहती है क्या? 3000। अच्छा 3000 में ये मिलने वाले एयर राइफल्स। और इसके ऊपर में ये आ जाती है बड़ी एयर राइफल्स हैं जी। तो इसका क्या सीन रहता है, ये कैसे लूड होती है? ये सेम सेम प्रोसीजर होता है सबका। तो भाई हाथ मारो पहले जी। ओ भाई लूडो भाई ऐसे लेके फिर उसको आप ऐसे थोड़ा झटके से करो। तो इसको भाई ये देखते कैसी आवाज़ करती है। तो ये बड़ी एयर राइफल्स है सारी जी जी। ये थोड़ा मिनिमम स्टार्टिंग स्टार्टिंग 3000 से लेके 4000 तक की। तो ये कितने की होगी? ये 3500 रुपये। ये 3500 रुपये की होने वाली है। और सिर्फ थोड़ा झटके से करो उसके ऊपर अभी। वनी हाँ अब हो गया। अब देखते कैसे चलती है। ऐसे चलते हाँ जी भी है तो उन सबसे। और इसका प्राइसिंग क्या रहता भैया वैसे? ये 4000 की। तो अब ना इससे ऊपर वाली रेंज पे आ जाते हैं। और ये कौन कौन सी है भैया? ये ओकी एयर राइफल है। अच्छा तीन ऐसी दिखाई है शॉर्ट में ही। शॉर्ट में। और इसके ऊपर भी रेंज है क्या कोई? हाँ इसके ऊपर भी है फिर वो लंबी राइफल। अच्छा लंबी राइफल। और देखते हैं ये इसको हॉकी वाला कहते हैं जी। हॉकी एयर राइफल जैसे ओरिजिनल 12 बोर की लाइसेंस का बनवाया गया है। अच्छा अच्छा। और ये जैसे ये सिंगल है इसमें डबल है ये क्या सीन है? इसमें ये शो के लिए दे रखा है हमने। अच्छा डबल बैरल बना रखा है। दोनों में पावरिंग का भी पावर का भी है मतलब फर्क। पावर किसमें ज्यादा है? इसमें ज्यादा है पावर। अच्छा इसमें डबल बैरल वाले में पावर। प्रेजेंट करके दिखाता हूं। अच्छा आपको इस तरीके से लेना है गन। अच्छा रखना है सेल का साथ मारना है इस पे और इसी सीधा लोड। ठीक है यहाँ से आपका 0.177 का पैलेट डल जाएगा। अच्छा सीधा ऊपर और ये फाइनल। और ये वाली रेड वाली ब्राउन में जो है अब ये भी वैसी लोड होती है सेम। सब सेम लोड होती है। अब देखिए हम इसको चलाते हैं। हाँ देखिए थोड़ा सा आवाज इसमें ज्यादा आ रही है। ये मोस्टली ज्यादातर पार्टीज में और आपका एल्बम सॉन्ग जो मूवी शूट हाँ, 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 उनमें सब में यूज होती है। फिर ये अगर कोई बच्चे चलाना चाहते हैं हाँ, घर में तो ये उनके लिए सही है एकदम। अच्छा अच्छा तरीके से लोड होगी आराम से, कोई भी कर सकता है इसका लोड। ओ ये लिया और ऐसे शूटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप। इसकी आवाज और ज्यादा है यार। प्रेशर भी बहुत अच्छा है इसका। अच्छा तो ये वाली ना गन भारी भी काफी ज्यादा है। और ये बताओ ना उजी नहीं होती उसमें ऐसा लग रहा है पीछे स्टॉक लगा दिया और आगे सप्रेसर लगा दिया है। तो ये भी यार मतलब काफी सही है। तो इसको करते हैं आवाज इसकी काफी ज्यादा है यार। तो अब बड़ी एयर राइफल्स है ये सारी भैया है ना? हाँ जी। और कौन सी क्या क्या कहते हैं इसको? ये टाइटन का अपने मैन्युफैक्चरिंग का मॉडल है। ये मॉडल है 35 जी। तो मॉडल 35 कहते हैं। काफी ज्यादा हैवी है उनसे तो काफी ज्यादा है। इतनी अराउंड होगी है कितने किलो की? 3-4 किलो की है ये। और ये भी देखो ये भी सेम आपकी टाइटन की है। 65 है ये। 65 है। तो इनके मतलब क्या सीन रहता है इनका? इनका प्रेशर और मैकेनिज्म सब अलग अलग होता है। इनका प्रेशर थोड़ा ज्यादा ही होगा जी जी। मॉडल के हिसाब से अपने आप प्रेशर होता है। हाँ, हाँ, हाँ। और लोड वगैरह कैसे होती है? लोड आपको इस तरीके से लेना है। बहुत से लोग इस तरीके से करते हैं ऐसे टूटने का डर रहता है गिरने का डर रहता है। आप इसको आराम से ऐसे रखिए इस तरीके से लीजिए। अच्छा और ये सीधा आराम से लोड होगी। अच्छा 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 नहीं हिलेगी गन। अच्छा लोड सीधा टारगेट के लिए इसमें दे रखा है प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, टारगेट इधर आप एम करिए इधर करिए फिर यहाँ सीधा इधर। अच्छा अच्छा तीनों दे रखे हैं फिर सीधा फायर।
आवाज़ भी इसकी ज़्यादा है जी, जी, जी। तो और इसको ये भी इसका ऐसी होगा जी जी सबका। तो इनकी जो प्राइसिंग रहती है वो क्या रहती है? ये जो मॉडल 65 है टाइटन का, ये 6,000 रुपए का होता अच्छा। है अच्छा। और ये 6,000 रुपए अच्छा। और एक ये कैनन का मॉडल है, ये मॉडल 35 है अच्छा 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 मॉडल। ओ ओ ओ भाई ये भी अलग है, ये पूरा डिजाइनर लुक में आ जाता है, काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है देखने में। तो यहाँ पे भैया ने सारी ये कौन सी राइफल्स लगाई है भैया आपने? ये शूटिंग पर्पस से एनिमल्स वगैरह को भगाने के लिए, अपने फार्म रखोगे तो काफी अच्छी चीजें हैं। तो ये देखो ये सारी मतलब इंडियन उसमें आता है ना? जी जी इंडिया की सबसे बेस्ट एयर राइफल्स है। ये सारी मतलब कितने रेंज में रहती है ये वाली? ये 8,000 से 13,000 रुपए के रेंज में रहने वाली है। और इनका प्रेशर वगैरह भी सबके ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। अच्छा एक जैसे मेरे को एक के बारे में बताओ बढ़िया, जैसे कौन सी सबसे बेस्ट है? ये है VX100 स्पार्टन अच्छा। ठीक है ये कंपनी जो है ये एक ही मॉडल ऐसा बनाती है जिसमें हम आप जो है साउंड को यूज कर सकते हो इसका अच्छा। आपको अगर ज्यादा नॉइज चाहिए हाँ। तो आप ये यूज कर सकते हो अच्छा। ज्यादा इसकी ज्यादा नॉइज है समझे नहीं आप, आपको इसमें पहले पैलेट लगाना है हाँ। फिर यहाँ से एक साउंड को लगता है जिससे ज्यादा से धमाका होता है। ओ अच्छा अच्छा मतलब जैसे कोई एनिमल वगैरह आया तो भाग जाएगा, आपको एम नहीं करके मतलब पैलेट से हिट नहीं करना, आप उसको धमाके से भगा सकते। अच्छा अच्छा तो ये इस पर्पज से काफी अच्छी चीज है, इस पर्पज से काफी अच्छी, काफी अच्छा लुकिंग है इसका, फाइबर फिटिंग है तो एकदम मतलब जैसे असली वाली होती है ना बिल्कुल वैसी ही लग रही है। तो और ये वाली जो क्या है सीन? ये मोस्टली शूटिंग प्रैक्टिस में यूज होती है, जहाँ लोग शूटिंग प्रैक्टिस सीखते हैं ना रेंज में जाके। अच्छा वाली का क्या सीन है? ये डिजाइनर में है ना थोड़ा? जी जी ये थोड़ा ऐसा है, 315 की ओरिजिनल राइफल आती है, ये उसी डिजाइन के हिसाब से पूरी फाइबर बटिंग है और प्रेशर भी काफी अच्छा। ये भी काफी सही है लुक में, ये पूरी फाइबर लुक। और ये भी शूटिंग वगैरह के लिए और आप अपना फार्मिंग वगैरह में यूज कर सकते हैं जानवरों को भगाने के लिए। अच्छा 13,000 के अराउंड फाइबर बट में काफी अच्छी लुकिंग। अभी जो लास्ट रह गया क्या भैया रह गया बताना? अब तो बस इंपोर्टेड रह गया, अब इंपोर्टेड दिखाने वाला हूँ जो मतलब काफी ज्यादा मतलब एक्सपेंसिव में रहती है। और क्राउन कितने तक की चली आती है? अराउंड चलेगी 55,000 की होने वाले। तो अब ये सारी ये भैया इंपोर्टेड में? ये गैमो कंपनी की है। अच्छा गैमो कंपनी है, कहाँ से इम्पोर्ट कराई? ये तो भैया सब जगह से आती है, अलग अलग। अच्छा अलग अलग जगह से आती है। तो ये भाई देखो ये कितनी ज्यादा मतलब 10 शॉट एयर राइफल है, 10 शॉट है एक बार ही मतलब। इसमें बस एक बार मैगजीन यहाँ पे लोड कर दो हाँ, उसके बाद बस आपको ब्रेक करना है बार बार हाँ, जैसे नॉर्मल एयर गन करते वैसे ब्रेक करना है, पैलेट नहीं डालना मतलब इसमें। अच्छा पैलेट एक बार में डाल लेंगे। अच्छा तो 10 शॉट है ये, शूटिंग प्रैक्टिस भी काफी देखिए लुकिंग वाइज वगैरह, तो इसमें पूरा अच्छी कंपनी का देखो। अच्छा अच्छा आप अगर देखोगे इसमें थोड़ा लाइटिंग दिखेगा आपको, ये सब इंपोर्टेड ही होती है। अच्छा 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 तो ये वाली कौन सी है? ये इसका अपग्रेड वर्जन है। तो ये देखो ये भी काफी अच्छी मतलब ग्रिपिंग वगैरह काफी सही कर रखी है, और लुक वाइज तो यार मतलब A1 फिनिशिंग कर रखी है। और इनका जो प्राइसिंग रहता है वो कितना तक जाता है? ये 40,000 की मिल जाएगी आपको हाँ, हाँ। और ये 55,000 की। ओ ये 55,000 की होने वाली है। और इसमें ऐसी क्या खासियत है ये 55,000 की? इसकी रेंज और पावर FPS वगैरह बहुत ज्यादा है इसका। अच्छा 1350 FPS है और अच्छा। इसका करीब ऐसी 1250 के आसपास। 1250 FPS का होता है FPS में पर सेकंड शॉट कितनी तेजी से आ रहा है। अच्छा अच्छा और इसमें ये यहाँ पे सप्रेसर दिया होगा, सप्रेसर मीन साइलेंसर, साइलेंसर जब हम इसका शॉट निकालेंगे तो इसमें बिल्कुल भी नॉइज नहीं आएगा, नॉइज नहीं आएगा, पैलेट जाके हिट होगा, पैलेट हिट होगा। इसमें मतलब सप्रेसर लगा हुआ है और इसमें नॉर्मल ही है ये। जी 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 अच्छा। और आपने देखा ये सारी मतलब इम्पोर्टेंट गन्स है, और यहाँ से अगर आपको कुछ भी लेना हो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दे दूंगा, जो भी आप देख के ले लेना। इस ब्लॉग को यही एंड कर रहा हूँ, अगर वीडियो पसंद आई तो यार लाइक कर देना, और बाकी सब आपको पता ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।